Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Radio Nasha. RJ Arvind ke saath birthday biographies. आज ही के दिन जीनत अमन का जन्म जर्मनी में हुआ. उनके अब्बू का नाम अमानुल्ला खान और अम्मी का नाम सिंधिया. उनके अब्बू वॉज वन ऑफ द राइटर्स फॉर मूवीज लाइक मुगले आजम एंड पाकीज़ा. उनका देहांत हुआ जब जीनत की उम्र सिर्फ 13 साल की थी और सब्सिक्वेंटली उनकी माँ का निकाह हुआ विद अ जर्मन जिनका नाम था मिस्टर हाइंस. इनफैक्ट अपने अर्ली इंटरव्यूज में पुरानी जितने फिल्म फेयर और प्रेस आर्टिकल्स आप जीनत अमन के बारे में देखोगे वहां पर जर्नलिस्ट उनको रेफर करते थे एज मिसेस हाइंस. खैर जर्मनी उनको बिल्कुल पसंद नहीं थी और 18 साल की उम्र में शी रिटर्न टू इंडिया और यहां पर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज बॉम्बे और उसके बाद चली गई कैलिफोर्निया. लेकिन इंडिया वापस आने के बाद उनको अपना पहला काम मिला एज अ जर्नलिस्ट फॉर फेमिना मैगजीन और उसके बाद मॉडलिंग करना उन्होंने शुरू किया. मैं कहता हूँ ये बिल्कुल सही डिसीजन था. भाई साहब जिन्हें कैमरा के आगे होना चाहिए वो कैमरा के पीछे बिहाइंड द सीन्स कभी काम नहीं कर सकते. वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू ब्रांड्स जिनके लिए उन्होंने मॉडल किया वो था ताजमहल टी और टेलीविजन 10 डेब्यू इन 1966. उसके बाद जीनत वाज द सेकंड रनर अप मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में एंड वेंट ऑन टू विन द मिस एशिया पैसिफिक टाइटल 1970s में. तुम? हाँ, मैं. यहाँ क्या लेने आए हो? घर पर जो तुम हमको बोला था अपन उसका जवाब देने आए. अगर जवाब होता तो घर पे ही दे देते. जीनत अमन की जो पर्सनालिटी थी ना वो कम्प्लीटली ऑपोजिट थी उस जमाने के जितने कंजर्वेटिव स्टार्स थे. अगर आप उस जमाने की हीरोइंस को देखें तो मोस्टली ओबीडियंट वाइफ या सीधी साधी लवर्स ऑन स्क्रीन. लेकिन जीनत अमन जी को बड़े अनकन्वेंशनल रोल्स पसंद थे जैसे कि रोटी कपड़ा और मकान जहां पर एक बार भी सोचा नहीं. अपने जॉबलेस लवर को छोड़कर एक करोड़पति के साथ वो भाग गई या फिर वो एम्बिशियस लड़की जिसने अपने बच्चे को अबॉर्ट किया ताकि वो अपने करियर को परस्यू कर सके अजनबी में. मनोरंजन के वो हैप्पी हुकर और डिस्टेंटेड हिप्पी इन हरे रामा हरे कृष्णा को कौन बोल सकता है या फिर प्रेम शास्त्र और धुंध जैसी मूवी जहां पर रोल्स काफी बोल्ड थे एंड वेर आउट ऑफ द बॉक्स. लेकिन मैं कहूंगा कि जीनत जी ने बहुत खूबसूरती से बैलेंस किया है बाय एक्टिंग इन मोर कन्वेंशनल फिल्म्स लाइक चोरी मेरा काम या फिर दोस्ताना या फिर लावारिस जिन्हें आप कह सकते हैं कल्ट क्लासिक एंड लैंडमार्क्स ऑफ इंडियन सिनेमा. वैसे जीनत अमन जी की फिल्मी करियर की शुरुआत हुई एक बहुत ही छोटे रोल के साथ ओपी रलन की हलचल मूवी में जो रिलीज हुई थी 1971. उसके बाद हंगामा मूवी में उन्होंने काम किया किशोरदा के साथ वो भी सक्सेसफुल नहीं था. देव साहब ने जहीदा जी को ऑफर किया था जो उनकी हीरोइन थी प्रेम पुजारी में द रोल ऑफ हिज सिस्टर इन हरे रामा हरे कृष्णा. लेकिन जहीदा जी को लीड रोल चाहिए था मुमताज का एंड शी ऑप्टेड आउट. लास्ट मिनट में जीनत अमन वाज अ रिप्लेसमेंट. बस यूं समझ लीजिए जिसके नसीब में जो होता है वही होता है और हरे रामा हरे कृष्णा में पंचमदा के संगीत के साथ जीनत अमन वन एवरीवन्स हार्ट एज जानिस. 1970s में देव साहब और जीनत को हमने कई फिल्मों में देखा. हीरा पन्ना, इश्क इश्क इश्क, प्रेम शास्त्र, वारंट, डार्लिंग डार्लिंग. अब उनका हिपी लुक यादों की बारात में यू नो समवन कैरिंग दैट गिटार और चुरा लिया है तुमने जो दिल को आशा जी की आवाज में. मतलब अब यूं समझ लीजिए आज भी अगर कोई प्यार इश्क और मोहब्बत की बातें करता है तो शायद उनको वही गाना याद आता है. 1970s में हर फिल्मी मैगजीन में आपको सिर्फ जीनत अमन की ही तस्वीर नजर आएगी और लेट करियर में बीआर चोपड़ा, नासिर हुसैन, शक्ति सामंत, मनोज कुमार और मनमोहन देसाई के साथ भी उन्होंने काम किया. विद्या सिन्हा को सबसे पहले सत्यम शिवम सुंदरम का रोल ऑफर किया गया था लेकिन उनको ये रोल बहुत बोल्ड और सेडक्टिव लगा इसलिए उन्होंने ना कह दिया राज कपूर को. तो हुआ यूं कि अपने ऑफिस में बैठकर वो जीनत अमन के साथ बातें कर रहे थे और उन दिनों जीनत अमन उनके ही दूसरे फिल्म पे काम कर रही थी जिसका नाम था वकील बाबू. राज कपूर साहब काफी मायूस थे और अपने सेट पर बैठे हुए थे तो जीनत अमन ने जाकर उनसे पूछा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम. तो उन्होंने कहा कि मुझे रूपा के किरदार के लिए एक सर्टन लुक चाहिए जो मुझे अभी मिल नहीं रहा है. जीनत अमन ने जब ये बात सुनी उनको इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा और रूपा को समझने की वो कोशिश कर रही थी. कुछ दिनों बाद जीनत अमन घाघरा चोली पहनकर सिर पर दुपट्टा लिए एक तरफ का चेहरा ढककर आरके स्टूडियोज जा पहुंची और वहां राज कपूर के ऑफिस में जीनत अमन को घुसने नहीं दिया गया. एक्चुअली चौकीदार ना जीनत अमन को पहचान भी नहीं पा रहा था. तभी राज कपूर की गाड़ी बाहर से ऑफिस के अंदर आई और राज कपूर ने एक झलक घाघरे चोली में खड़ी महिला को गेटकीपर से लड़ते हुए देखा. उसके बाद राज कपूर तो ऊपर चले गए लेकिन अपने चौकीदार को उन्होंने बुलाया और पूछा गेट पर कौन खड़ा है.
इस पर चौकीदार ने कहा कि जो औरत है वो बोल रही है, राज कपूर से कहो रूपा आई है। अब रूपा का नाम सुनकर राज कपूर ने कहा उसे फौरन अंदर भेज दो। जब रूपा राज कपूर के ऑफिस में एंटर हुई तो राज कपूर उसे देखते ही रह गए। राज कपूर जी ने पूछा कि तुम हो कौन? जीनत जी ने बताया कि आप रूपा को ढूंढ रहे थे, लो आ गई रूपा। राज कपूर अब भी नहीं पहचान पाए कि वो जीनत अमन है। जब चेहरे से पर्दा हटाया गया, राज कपूर चौंक गए कि वेस्टर्न लुक वाली जीनत अमन हैज गॉन टू दिस एक्सटेंट टू मेक यू बिलीव कि वो रूपा का किरदार कर सकती है। उसी टाइम राज कपूर साहब ने जीनत अमन को साइन किया सत्यम शिवम सुंदरम के लिए, लेकिन उस वक्त उनके पास पैसे नहीं थे, तो ऐसे में राज कपूर के पास पड़े सोने के सिक्के जो थे उन्होंने जीनत अमन को दिए और कहा कि तुम ही मेरी रूपा हो सत्यम शिवम सुंदरम की। अगर मैं जीनत अमन की बात करूं ना, तो वो स्कूल गर्ल वाला एक्सेंट एंड रिवीलिंग ड्रेसेस या फिर सोफिया लोरेन का वो स्टाइल, यू नो, वन सिंपली कांट टेक स्टाइल अवे फ्रॉम जीनत अमन। लेडीज एंड जेंटलमैन, विशिंग द वन एंड ओनली, वो तब भी सुपरस्टार थी, आज भी सुपरस्टार है और हमेशा सुपरस्टार रहेगी, तो वन एंड ओनली जीनत अमन, अ वेरी हैप्पी बर्थडे। Radio Nasha.